हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है दीपक कंडारी फ्रॉम रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि केदार घाटी के खूबसूरत गांव खाली गांव से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, और मैं जा रहा हूँ मणिको सड़क में, क्योंकि एक भाई की मेरे से माल्टे मंगा रखी। ये देखो, तो मैं उनको दूंगा और वापस आ जाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। दोस्तों, माल्टे देख के मैं भी पहुंच चुका हूं घर। और आज के मौसम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, अच्छी खासी धूप खिली हुई और सामने हिमालय देखो, पूरा बर्फ से चमचमा रहा। तो आज का मौसम बिल्कुल क्लियर है, अभी तक आसमान में कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहा। ये देख लो, तो चलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों एक बात और, ये देख लो, जो हमारा कंपोस्ट पिट है ना, बोले तो मल गोटरा, जिसमें गाय को गोबर इकट्ठा करते हैं, उसी को कंपोस्ट पिट कहते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम पहले हमने सब्जी बोई थी पालक की, और चूहे ने देखो ये पूरी बर्बाद कर दी, एक भी पत्ता उगने नहीं दिया उसने। मैंने सुबह शाम काफ़ी मेहनत की, पानी डाला, और चूहे ने ये देखो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, एक भी पत्ता उगने नहीं दिया उसने। ये देख लो, पूरा का पूरा खा रखा उसने, इस बार की पूरी सब्जी बर्बाद कर दी उसने। ये देख लो, ये देखो आपको दिखा दे रहा हूँ, चूहे को भी कुछ नहीं मिला खाने के लिए, उसने पालक की सब्जी खा डाली। ये देख लो, तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों मैं अभी फिर से जा रहा हूँ मणिको सड़क में। सड़क में इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी कान पे एक थैला दिखाई दे रहा होगा, इसमें गेहूँ, तो मैं इनको पिसवाऊँगा चक्की पे, उसके बाद लाऊँगा आटा। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, मैं कई दिनों से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप में से कई लोग कहते हैं कि जब आपके 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएंगे, 10,000, 20,000 हो जाएंगे, उसके बाद 1 सब्सक्राइब मैं करूँगा आपको। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी करिए मुझे सब्सक्राइब, बाद में इतनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, स्टार्टिंग में काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों मैं भी आ गया हूँ चक्की पे, ये देख लो, चलता हूँ अंदर की ओर। दोस्तों थैला तो मैंने रख दिया चक्की पे, और अब मैं चलता हूँ बाहर की ओर। और थैले का वेट जो आया वो है 16 किलो 800 ग्राम कुछ। तो चलिए मैं थोड़ा बाहर चलता हूँ। दोस्तों मैं चक्की से आटा पीस के भी ले आया, और अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने गांव के नीचे। तो आज की वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, यहीं से एंडिंग करूँगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ यार आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।